चलिए आइसिंग शुगर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमें एक कप रेगुलर शुगर, जो हम वाइट वाली शुगर यूज़ करते हैं, ये लेनी है। ये देखिए ग्राइंडर में डाल देते हैं इसको, और 1 टीस्पून हमें कॉर्नफ्लावर लेना है। 1 टीस्पून से ज़्यादा ना लें, इस तरह से देखिए बिल्कुल लेवल करके आप 1 टीस्पून लें। बस इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ईजी प्रोसेस है, बस इसको ग्राइंड कर लें। देखिए अब इसको थोड़ा सा स्पून से हिलाएं और फिर से ग्राइंड कर लें। बस यही प्रोसेस आपको 5 बार फॉलो करना है। स्पून से हिलाना है, ग्राइंड करना है, स्पून से हिलाना है, ग्राइंड करना है। लेकिन ये ना सोचे कि लगातार ग्राइंड कर लें तो बन जाएगा, प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करें। ये देखिए 5 बार हो गया है ये। अब ये बिल्कुल फाइन जो है हमारी आइसिंग शुगर रेडी है। ये देखिए मैं इसको निकाल देती हूँ 1 कप में, और इसका बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप इसको बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और अपना केक में आइसिंग वगैरह बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए रेडी है आपकी आइसिंग शुगर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।